नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से पूरी दुनिया में फैल रहा है। देश में भी कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने लगे हैं। कर्नाटक, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में ओमिक्रॉन के कई केस सामने आ चुके हैं। शुक्रवार को गुजरात के जामनगर में 2 और लोगों की रिपोर्ट भी ओमिक्रॉन से पॉजिटिव पाई गई है। अब गुजरात में ओमिक्रॉन के कुल मामले 3 हो गए हैं। दरअसल कुछ दिन पहले गुजरात के जामनगर में ओमिक्रॉन का एक केस मिला था। जामनगर में अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे से लौटा गुजरात मूल का शख्स कोरोना के नए वेरिएंट से संक्रमित मिला था। इसके बाद उससे संपर्क में आए लोगों की जांच की गई। अब उसकी पत्नी और साला ओमिक्रॉन से संक्रमित मिले हैं। ओमिक्रॉन के कहर अब धीरे धीरे पूरे देश में फैलता जा रहा है। भारत में अब तक ओमिक्रॉन वेरियंट के 25 केस मिल चुके हैं। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में मिला है। यहाँ 10 लोग ओमिक्रॉन की चपेट में आ गए हैं। इसके बाद राजस्थान का नंबर आता है। राजस्थान में 9 लोग ओमिक्रॉन के शिकार हुए हैं, लेकिन राहत की बड़ी बात यह है कि राजस्थान में सभी 9 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। वहीं महाराष्ट्र के पुणे में भी मरीज की रिपोर्ट निगेटिव आई है। इन दोनों राज्यों के अलावा गुजरात में 3, दिल्ली में 1 और कर्नाटक में 2 केस मिले हैं। उधर कर्नाटक से 1 ओमिक्रॉन मरीज दुबई भाग गया है। वहीं ब्रिटेन में गुरुवार को कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित 249 और मामलों की पुष्टि हुई है। ओमिक्रॉन से संक्रमित मामलों की संख्या में ब्रिटेन में एक दिन में 2 गुने की बढ़त हुई है। ब्रिटेन में कुल 817 ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।